Dawn Express. I'm now Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मदद के उद्देश्य से 10 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए के गूगल डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है। गूगल एवं अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा करते हुए कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में यह निवेश किया जाएगा। उनकी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण में सहयोग कर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी का ध्यान अधिक से अधिक भारतीयों को आगे बढ़ाने और सफल होने में इंटरनेट के उपयोग करने में सक्षम बनाने पर है। अभी देश का अधिकांश कारोबार डिजिटल बन रहा है। उन्होंने देश में छोटे कारोबारियों को सफल बनाने के लिए गूगल द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी कंपनी 3 करोड़ महिलाओं को डिजिटली साक्षर बनाने की दिशा में काम कर रही है। पिचाई ने कहा कि 20 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए गूगल पे का उपयोग किया है और 30 लाख से अधिक कारोबारी गूगल पे से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। गूगल के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए प्रसार भारती के साथ पार्टनरशिप की है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के साथ मिलकर एक इंटरमेड सीरीज शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसमें छोटे कारोबारियों को वर्तमान स्थिति में डिजिटल टूल को अपनाने के बारे में बताया जाएगा। पिचाई ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे वे बहुत खुश हैं कि गूगल ने भारत के डिजिटल युवाचार को स्वीकारा है और इसमें आगे संभावनाएं सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गूगल का भारत की GST और भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम रोल है। हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए आपदा जैसे बाढ़ में गूगल काफ़ी कारगर हुआ है। साथ ही भारतीय भाषाओं के डिजिटाइजेशन करने का काम भी किया है। गूगल भारत के डिजिटल गाँव को लेकर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और गूगल के इस फंड से इसमें तेजी आएगी। यह निवेश भारत के डिजिकरण के लिए महत्वपूर्ण 4 क्षेत्रों पर फोकस करेगा। गूगल के CEO ने बताया कि इसमें पहला प्रत्येक भारतीय को उसकी भाषा में कम कीमत में सूचना उपलब्ध कराना, दूसरा नए उत्पादों सेवाओं का निर्माण करना जो भारत की जरूरतों के मुताबिक हो, तीसरा व्यवसायों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जरूर जानकारी रखना और सशक्त बनाना, चौथा स्वास्थ्य कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ देना। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुंदर पिचाई के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सुबह मेरा सुंदर पिचाई से बहुत ही लाभदायक संवाद हुआ। हमारे बीच कई विषयों पर बातचीत हुई, विशेषकर भारतीय किसानों, युवाओं, उद्यमियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तकनीक की शक्ति का फायदा उठाने के संबंध में। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान COVID-19 के मद्देनजर नई नीतियों पर कार्य संस्कृति के अलावा खेल जैसे क्षेत्रों में इस महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बारे में भी पिचाई से चर्चा हुई। दोनों के बीच डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के महत्व पर भी बातचीत हुई। वहीं अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाई कोर्ट का 31 जनवरी 2011 का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की पूंजी और प्रबंधन का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा गया था। शीर्ष न्यायालय ने केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति UU ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अंतरिम कदम के तौर पर मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता त्रिवन्नमपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दायर की थी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे बड़े धनी मंदिरों में गिना जाता है। इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके बावजूद स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार के कराया था, जिन्होंने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिण केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। वहीं अगली खबर, रूस की
सेफेनेफ यूनिवर्सिटी में नए कोरोना वायरस की वैक्सीन का वॉलंटियर पर क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी में इस परीक्षण की मुख्य शोधकर्ता इलिना स्मोल यारचुक ने बताया कि परीक्षण में सामने आए रिजल्ट में टीका प्रभावी सिद्ध हुआ है। सेफेनोक यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लिनिकल रिसर्च ऑफ मेडिकेशन की प्रमुख इलिना स्मोरलुक ने बताया कि रिसर्च पूरा कर लिया गया है और इससे साबित हुआ है कि वैक्सीन सुरक्षित है। वॉलंटियर्स को 15 जुलाई और 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। भारत में रूस के दूतावास ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और इसे कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन बताया। यूनिवर्सिटी के डिस्चार्ज किए जाने के बाद वॉलंटियर्स को निगरानी में रखा जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में जिस वैक्सीन का परीक्षण किया गया वह पहले 18 जून को 18 वॉलंटियर्स के एक समूह को दी गई, जबकि वॉलंटियर्स के दूसरे समूह को यह वैक्सीन 23 जून को दी गई। भारत में भी प्रथम कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई है और यह ट्रायल के चरण में है। भारत के 3 मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस कार्य में सफलता हासिल करी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने संयुक्त प्रयास से कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन को तैयार किया गया है। वहीं अगली खबर, कोविड-19 प्रकोप फैलने के बाद दुनिया भर में इसका इलाज खोजने की होड़ मच गई है। इसके बाद कोरोना वायरस के इलाज में कारगर पाई गई दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा रखी गई। इससे कोविड-19 की चपेट में आम आदमी पर दोहरी मार पड़ने लगी। पहली स्वास्थ्य पर और दूसरी आर्थिक मार ने लोगों के लिए मुसीबत को बढ़ा दिया। ऐसे में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने भारत में पिछले महीने उतारी कोविड-19 की दवा फेविफ्लू की कीमत 25% से ज़्यादा घटा दी है। बता दें कि जिस समय कंपनी ने इस दवा को बाजार में उतारा था उस समय एक टैबलेट की कीमत 103 रुपये थी। दाम घटाए जाने के बाद अब इस एक टैबलेट की कीमत 80 रुपये से कम की मिलेगी। कंपनी ने बताया ज़्यादा फायदा और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण दवा की कीमत में कमी संभव हो पाई है। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भगवा रंग पर विवाद बढ़ रहा है। दरअसल प्रयागराज में प्रदेश के नागरिक उड्डयन स्टंप ड्यूटी और पंजीयन मंत्री नंदगोपाल गुप्त नंदी के बहादुरगंज स्थित आवास की गली आजकल भगवा रंग से रंगी जा रही है। इस बात को लेकर वहां विवाद हो गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई सरकारी इमारतों को भगवा रंग में रंग दिया गया था। कई स्कूलों तक को भगवा रंग में रंग दिया गया और तो और हमीरपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने शौचालय तक को भगवा रंग में रंग दिया गया। हालात यह हो गए कि न जानने वाले इसे मंदिर समझकर उसे सामने सिर झुकाने लगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से भगवा रंग चर्चा में रहा है। वह जहां जाते हैं अपना भगवा रंग लेकर जाते हैं, जिस कुर्सी पर वो बैठते हैं उसे भी भगवा ही बनाया जाता है। यहां तक कि कई सरकारी इमारतों तक को भगवा रंग में रंग दिया गया। यहां तक कि योगी सरकार में यूपी रोडवेज ने जितनी बसों की खरीद की उन सबको भगवा रंग में रंग दिया। ताज़ा मामला प्रयागराज में सामने आया है। वहां के बहादुरगंज में रहने वाले एक रिटायर पशु चिकित्सक ने कोताही करने वालों पर जबरन घर को भगवा रंग रंगने में और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। वहीं बहादुरगंज के ही एक अन्य व्यक्ति ने भी मंत्री के रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान में बनने जा रहे हिंदू मंदिर के खिलाफ फतवे के बाद अब घृणा को प्रदर्शित करने वाला एक गाना भी लॉन्च हो गया है। माहौल ऐसा बन गया है कि जैसे एक हिंदू मंदिर से उनका मुल्क ही खतरे में आ जाएगा। इस गाने का वीडियो पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इस्लामाबाद के श्री कृष्ण मंदिर विवाद को लेकर भारतीयों को कुत्ता कहा गया है और औकात में रहने की सलाह दी गई है। पंजाबी भाषा के इस गाने में गायक गाता है, हिंदुस्तानी कुत्तो तुसी रहो जरा औकात विच। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया। इस गाने में पाकिस्तानी फौज का दृश्य दिखाकर महिमामंडन किया गया है और साथ ही धमकी दी गई है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कभी मंदिर नहीं बनने दिया जाएगा। गाने के वीडियो में पाकिस्तानी फौज के सिपाही बंदूक से निशाना साधते और हेलीकॉप्टर से उतरकर पोजीशन लेते दिख रहे हैं। जिस तरह से ये वीडियो भारत और हिंदुओं के प्रति जहर बोया गया है उसकी जमकर आलोचना हो रही है। इस्लामी कट्टरवादी अब एक गाने के सहारे हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं।
सिंध के मानवाधिकार कार्यकर्ता कपिल देव ने इस गाने के वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि इस्लामाबाद के निर्माणाधीन श्री कृष्ण मंदिर विवाद ने एक बार फिर से हिंदुओं के प्रति घृणा को सामने ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में पाकिस्तानी पहुंच को दिखाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी नेता देवेंद्र नाथ रे की मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की लड़ाई लगातार जारी है। रे का शव सोमवार सुबह उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमंताबाद इलाके में उनके घर के पास फांसी पर लटका पाया गया। राज्यपाल धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा, राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की भावना कम होती नहीं दिख रही है। उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमंताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत हत्या के आरोपों सहित कई गंभीर मुद्दों को उठाती है। सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। रे ने हेमंताबाद की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से माकपा के लिए टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि उन्होंने माकपा से विधायक के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था। भाजपा नेता ने परिवार की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार के एक सदस्य ने कहा, हमें लगता है कि उनकी हत्या हुई है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भाजपा के राज्य नेतृत्व ने रे की हत्या का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पार्टी की सोची समझी साजिश करार दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, यह तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा की गई एक जघन्य हत्या है। सभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।